श्री 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 सबसे पहले अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और अपनी सोल सीट को सेंटर पॉइंट पे आइडेंटिफाई करके अपनी आत्मा से संबंध बनाएंगे। अपने ध्यान को सबसे पहले सीता जी का आह्वान करेंगे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शक्ति थी, और बीज मंत्र के माध्यम से उनको अपने भीतर जागृत करेंगे, महसूस करेंगे। सबसे पहले सीता जी को उनका नाम षटकोण के श से सीता बनता है। इस प्रकार सबसे पहले अपने सहस्त्रार चक्र को जागृत करेंगे। शम 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 शम। फिर अनाहत चक्र में बड़ी की मात्रा को ई 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 फिर आज्ञा चक्र में तम बीज को जागृत करेंगे। तम 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 फिर आ की मात्रा विशुद्धि विशुद्धि चक्र में जागृत करेंगे। आ 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 सीता 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 सीता। अब अपने स्वादिष्ठान चक्र में रम बीज को जागृत करेंगे। रम 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 फिर आ की मात्रा विशुद्धि चक्र में आ 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
फिर सहस्रार चक्र बंद। म 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
देखकर सम्मिलित रूप से देखते हुए सबसे पहले षटकोण का श शम 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 फिर स्वाधिष्ठान चक्र रम 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 फिर बड़े ई की मात्रा अनाहत चक्र में ई 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 फिर आज्ञा चक्र तम 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 और फिर सहस्त्रार चक्र बंद मम 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 इन समस्त चक्रों को एक साथ मत श्री बीज मंत्र में महसूस करेंगे कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता जी के साथ हमारे शरीर के संपूर्ण नियंत्रण को अपने कंट्रोल में रखते हैं। मत श्री 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 अपने मूलाधार चक्र से अपने सहस्त्रार चक्र बंद को जोड़ेंगे और इस संपूर्ण मत श्री को एक सीधी लाइन में जो हमारे बैकबोन को जो मूलाधार चक्र को बैकबोन के माध्यम से सहस्त्रार चक्र बंद से जोड़ती है। मत श्री 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 मत श्री
मत श्री मत श्री मत श्री अब अपने शरीर में शिव और सती का आवाहन करेंगे। से पहले वम बीज मणिपुर चक्र को जागृत करेंगे। मणिपुर चक्र वम वम फिर षटकोण कषा सहस्त्रार चक्र में शम 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 फिर बड़ी की मात्र ई 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 फिर आज्ञा चक्र तम बीज तम 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 इन समस्त चक्रों को एक साथ एक दूसरे में विलीन करके तस्वी 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 तछुई 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 शिव और सती के बाद शिव और शक्ति को जागृत करेंगे। एक शिव है, अनेकों शक्तियां हैं, हर एक शक्ति का शिव है। वम 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 वम
कम 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 तम 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 तक्षुई 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 तक्षुई। यह क्ष जो है क्षत्रिय वाला क्ष है। तक्षुई 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 तक्षुई। अब अपने ध्यान को शिव पार्वती के ऊपर केंद्रित करेंगे। शम 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 वम 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 रम 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 तम 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 पम 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 पत्रश्वी 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 पत्रश्वी
पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी पत्रश्वी शिव पार्वती को अब सीता राम के समान जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर वो जागृत होते हैं। पत्वाश्री 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 मत श्री 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 मच्छरी 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 पत्वश्री 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 मत श्री 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 सीताराम की कृपा से, शिव और सती की कृपा से, शिव और शक्ति की कृपा से और शिव पार्वती की कृपा से किसी भी प्रकार उस एक युगल स्वरूप का ध्यान करिए। अंदर ऊर्जा का आभास एक रूपता लिए हुए प्रत्येक शक्ति युगल स्वरूप में कुछ न कुछ उत्पन्न कर रही है। शिव जीवन है, पार्वती वो जीवन की शक्ति है, राम मर्यादा है तो सीता मर्यादा की वो शक्ति है। हम जब जब किसी भी स्वरूप को ध्यान करते हैं तब तब उसका जीवन तत्व और जीवनी शक्ति दोनों ही अपने आप को प्रकट करते हैं।
मम म्रीम रीम 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 स्मृति 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 लक्ष्मी 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 वलक्ष्मी 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 त्वलक्ष्मी 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 के जागृत होते ही हमारे नौ के नौ चक्र हमारे भीतर बीज मंत्रों की उत्पत्ति करते हैं। तो लक्ष्मी 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 लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी त्वम श्री तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी कमली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मगड़दू तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो श्री तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी क्ली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी गर्दुम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी ग्लोम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी ह्रोम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी अंजुम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी शह तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी चा तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मुँह तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी अंडाम चल अंडाम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी ये तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रवि तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी अंचे तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मसी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी क्षी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी शमी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी कमी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तमी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लमी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी हमी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यमी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रमी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी वमी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी क्षमी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मसी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी क्षी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तशी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लशी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी हसी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यशी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रशी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी वशी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मकी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी शकी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तकी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लकी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी हकी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यकी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रकी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी वकी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मती तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी स्ती तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी कति तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लती तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी हति तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यति तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रति तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी वति तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी क्षति तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मिली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी श्ली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी क्ली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी हिली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी वली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी क्षली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी शही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी कहीं तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी वही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी क्षही तो लक्ष्मी
तो लक्ष्मरी मई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी शई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी कई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी तई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी लई तो लक्ष्मरी। तो लक्ष्मरी हई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी रई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी वई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी क्षई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी मृी तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी श्री तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी क्री तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी त्रि तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी लिरी तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी ह्री तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी यिरी तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी व्री तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी क्षिणी तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी मवि तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी श्वी तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी कुई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी तुई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी लवि तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी हुई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी रवि तो यवि तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी रवि तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी क्षुई तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी मक्षि तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी तक्षि तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी लक्ष्मी तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी हक्षि तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी यक्षि तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी रक्षि तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी वक्षि तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी 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 तो लक्ष्मरी। तो लक्ष्मरी तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी तो लक्ष्मरी, तो लक्ष्मरी तो लक्ष्मरी।
जिस प्रकार से भी ये ऊर्जा शक्ति हमें महसूस हो रही है, उसी प्रकार से सीताराम की शक्ति हमारे शरीर के भीतर जितने भी 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, प्रत्येक में मर्यादा का संचार हो, कभी किसी स्थिति में वो अमर्यादित ना हो, शिव सती के रूप में, शिव शक्ति के रूप में और शिव पार्वती के रूप में इस शरीर के भीतर जीवन तत्व और जीवनी शक्ति की अभिवृद्धि करें। शरीर में जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं, वो समस्त शक्तियां हमारे भीतर धीरे धीरे करके जागनी शुरू हो। ताकि हमें अपनी विशेषता पता चले, तो सबसे आखिर में जब हम शिव पार्वती का ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर मानसिक सृष्टि के प्रतीक स्वरूप एक जीवित पुरुष, जिसको हम गणेश के नाम से जानते हैं, और मैथुनी शक्ति के प्रतीक स्वरूप कार्तिकेय जी, जो मोर पे विराजमान है, इस प्रकार शिव पार्वती ही रिद्धि सिद्धि वाले गणेश ग्लोम बीज को जागृत करते हैं और कार्तिकेय जी के षडानन स्वरूप को जय और विजय के रूप में शक्ति प्रदान करते हैं। इस समस्त ऊर्जा को सबसे पहले अपने ऋषियों को देंगे, फिर अपने पितरों को ये ऊर्जा देंगे, फिर अपने घर परिवार के समस्त सदस्यों को ये ऊर्जा देने के बाद जो भी प्रसाद स्वरूप ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, परंतु सारी ऊर्जा अपने घर के वास्तु पुरुष में डालेंगे, और जैसे ही ये वास्तु पुरुष से प्रसाद स्वरूप एनर्जी, ये समझ सकती है जो हमारे भीतर शक्ति का संचार कर रही है, अपने आसपास जो भी हमारे शरीर से बाहर निकलती हुई शक्ति है, उसका जहां तक का भी प्रभाव है, उस प्रभाव के स्वरूप, प्रभाव स्वरूप हमें हमारे भीतर की लक्ष्मी, सरस्वती और काली का ध्यान रहे, गर्दुम महादुर्गा का प्रतीक है, वो हमारे भीतर जागृत रहे,
अपनी जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, वो ऊर्जा हम अपने आसपास सबको देखकर, अपने दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों से लगाएं, ताकि जितनी भी ऊर्जा है वो हमारे शरीर में नसों के माध्यम से सारी हार्ट की ब्लॉकेजेस को क्लीन करें। तथा इस प्रक्रिया की हमें पूर्ण जानकारी हो, ताकि हम किसी भी व्यक्ति को उसके भीतर के इन चक्रों की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता को जागृत करते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।